नंदनगर स्थित कुमावत भवन में फटा गैस सिलेंडर, 9 लोगों की मौत, 18 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे पहुंची ब्यावर, गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों तथा मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। सीएम से मुलाकात करने आए कांग्रेस नेता रामेश्वर मेवाड़ा के साथ हुई धक्का मुक्की, नाराज कांग्रेस जनों ने लगाए सीएम हाय हाय के नारे। और डीपीएस स्कूल का वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न, विद्यार्थियों ने दी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के चांगचतार रोड नंदनगर स्थित कुमावत भवन धर्मशाला में शुक्रवार की शाम एक शादी समारोह में खाना बनाते समय एक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय भवन में 20 से अधिक लोग मौजूद थे। हादसे में शुक्रवार रात 12 बजे तक 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि शनिवार दोपहर तक 4 लोगों के शव निकाले गए। कुल मिलाकर हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर 6 लोगों की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। मृतकों में हितेश भाटी, पुत्र लालचंद भाटी, बसंत कुमार, श्रीमती मोनिका, श्रीमती निर्मला, अभिषेक, लक्षिता, कर्तव्य कुमार, खुशी देवड़ा, हेमलता शामिल है। घायलों में भवरलाल, चांदमल, सुगनी, शिवप्रकाश, इंद्रा देवी, रेखा, कोमल, गोविंद, आरती, वंदना, तमन्ना, अन्नु, आशा, दीपिका, राजू, कमल, गजेंद्र, मांगी, संजय, ओम प्रकाश तथा अमित आदि लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से आशा, गजेंद्र, मांगी, संजय, ओम प्रकाश तथा अमित को अजमेर के लिए रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। हादसे की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। घायलों को भवन के मलबे से निकालकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया। बड़ी संख्या में शहर की भीड़ मौके पर तथा एकेच में एकत्रित हो गई। शुक्रवार देर रात से लेकर शनिवार शाम तक मौके पर राहत कार्य जारी रहा। हादसे के बाद शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार नंदनगर निवासी हेमंत पाटनेचा के घर लड़के का विवाह था। कुमावत भवन में शादी समारोह के लिए खाना बनाया जा रहा था, इसी दौरान शाम करीब 5:58 पर अचानक एक सिलेंडर फट गया, जिसके कारण पूरा क्षेत्र दहल उठा। धमाके के कारण पूरा भवन क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे भवन में मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। इसी दौरान उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया, पुलिस उपाधीक्षक सीएस सोढ़ा, सिटी थाना अधिकारी यशवंत सिंह यादव मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य की व्यवस्थाओं को संभाला। मामले की सूचना पर जिला कलेक्टर गौरव गोयल व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने पुलिस एवं आमजन के सहयोग से घायलों को भवन से बाहर निकाला। सभी को उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती करवाया गया। घायलों में हलवाई का काम करने वाले लोगों सहित शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमान शामिल है। जानकारी मिली है कि हादसा एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने के दौरान घटित हुआ। शनिवार को दिन भर राहत कार्य जारी रहा तथा क्षतिग्रस्त भवन को धराशाही कर दिया गया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चौधरी, संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीणा, आईजी मलिनी अग्रवाल, सीएमएचओ के सोनी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उधर कुमावत भवन का मलबा हटाने के लिए पास के 2 मकानों को खाली करवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया, ताकि मलबा हटाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसे
यहाँ ब्यावर शहर में या कुमावत भवन में आज एक बहुत ही दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ। एक परिवार की शादी थी, तो आज मायरे का प्रोग्राम चल रहा था और शाम को बता रहे हैं संगीत था और कल शादी होने वाली थी। उस समय हलवाई जो सिलेंडर से खाना बना रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उनके सिलेंडर में कुछ जो बता रहे हैं जो लोग, वो ये कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में वो गैस भरने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आग लग गई। तो उन्होंने आग बढ़ा के सिलेंडर को फेंका और उससे ब्लास्टिंग हुई और उस ब्लास्टिंग के कारण लगभग आधी बिल्डिंग G+2 की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, 3 माले की है, तो ये कुमाऊं भवन की लगभग 30x60 फीट गहरी बिल्डिंग में लगभग पीछे का 30 फीट का हिस्सा पूरा कोलैप्स हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2 डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं और जिन लोगों को इंजरीज हुई हैं उनमें जो लोग ठीक है उनको चिकित्सा देकर फर्स्ट एड देके घर के लिए रवाना कर दिया है। 5 लोग थोड़े सीरियस हैं जिन्हें JLN हॉस्पिटल में हमारी टीम उनका ध्यान रख रही है, उनमें से भी एक ज़्यादा क्रिटिकल है, 4 खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी आशंका ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आसपास के घरों में भी दरारें हैं, तो आसपास के पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की पूरी टीम यहाँ है, NDRF की टीम रास्ते में है, लाइव डिटेक्शन इक्विपमेंट से और सभी एक्सपर्ट्स पहले ये प्रयास लगा रहे हैं। साथ ही कंट्रोल रूम बना के लिस्टिंग की जा रही है कि अंदर कितने व्यक्तियों की होने की संभावना है। जैसे ही ये एक हमें पता चलता है और एक लाइव डिटेक्टर इक्विपमेंट भी अभी मूव किया जा रहा है जिससे अगर कोई जिंदा व्यक्ति है तो पहली प्राथमिकता रहेगी उसे बाहर निकालने की। और आज ये मेरे ख्याल से रात भर ऑपरेशन चलेगा और प्रयास ये रहेगा अगर कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी बाकी है तो उसे बाहर। अभी सर संभावित रूप से आपने अंदर का भी निरीक्षण किया है, क्या लगता है कि कुछ लोग और दबे? देखिए बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, संभावना है कुछ लोग और अंदर हैं। हम जो परिजन जिन जिन से संपर्क हुआ है उनको बिठा के जो JLN हॉस्पिटल में उनसे भी लिस्ट बनवा रहे हैं। ये पता चला है कि पिपाट से जोधपुर से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग पाली के भी एक दो गांव के नाम पता चले जहां से इनके परिजन और रिश्तेदार यहां पे शादी समारोह में भाग लेने आए हुए थे, कुछ लोकल लोग भी थे। तो उनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है, सबसे संपर्क किया जा रहा है जिससे जो लोग मिसिंग लोग हैं उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सके। पर इस पूरी प्रक्रिया में हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि अगर कोई भी जिंदगी बची हुई है तो उसको सबसे पहले निकाला जाए। और चूँकि जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में और बहुत रिस्की है, तो इवन जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फोर्स और SDRF NDRF के लोगों को भी अंदर जाके एक रिस्क का असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करेंगे। चूँकि ये बताया गया है कि अंदर 4-5 सिलेंडर और हैं इसलिए हमने बिजली काट दी है कम्प्लीटली और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को काम में नहीं ले रहे। थैंक यू। NDRF टीम के नेतृत्व में कार्रवाई प्रारंभ हुई, क्षेत्र की बिजली कटवाने के साथ ही आसपास के एक दर्जन मकानों को खाली करवाया गया। वे रात्रि में बचाव कार्य के दौरान मुख्य भवन के पिलर व साइड की दीवारों को तोड़ा गया। प्रातः 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पास वाले मकान के भीतर से मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ हुआ। वे मलबे में दबी एक महिला व 2 बच्चे के शव को निकाला गया। इस दुखांतिका में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है, वे मौके पर बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की शंका है। शादी विवाह वाले परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अभी भी कुछ लोग लापता है जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर भवन को जमींदोज करने की कार्यवाही जारी है। कल अचानक लगभग 5:45 बजे के आसपास, 5:30 और 5:45 के आसपास यहाँ पर मायरा भरा जा रहा था। मायरा समाप्त होते ही अचानक सिलेंडर फटा, एकदम एक सिलेंडर फटते ही तुरंत साथ में दूसरा सिलेंडर और फट गया। उसके फटने से उससे बिल्डिंगें गिर गई, आसपास के सारे मकान जर्जर हो गए, सभी के नुकसान हुआ। इसमें जो भवन है कुमावत भवन, इसमें जो बिल्डिंग गिरी उसमें लगभग उस समय 35-40 लोग थे, 20-25 घायल को निकाल लिया, 8-10 बॉडी निकाल ली, 8-10 बॉडी और दबी हुई है जो कि लापता है। उसके अलावा मेरा खुद का घर सामने है, मेरे खुद घर के 2 मेंबर, मेरी मम्मी और छोटे भाई की पत्नी, वो दोनों बहुत सीरियस है, उनको रेफर किया हुआ है। चार अंदर है,
चार हैं, 10 निकाल चुके हैं। हमारे परिवार के 6 की बॉडी आ गई है, 6 की बॉडी है हैप्पी पार्क सिटी की, 10 हैप्पी पार्क सिटी से, तो चार और अंदर, चार अंदर और है। जी प्लस टू बिल्डिंग थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो कल शाम को ये हादसा हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और यहाँ पे परिवार था और जो लोग खाना बनाने वाले थे ला रखे थे, तो उसमें काफ़ी लोग ट्रैप हो गए थे। सिविल प्रशासन ने इमीडिएटली यहाँ से 20 लोगों को इविकेट कर दिया था, उसमें ये अनफॉर्चुनेटली उसमें 3 डेड हो गए बाद में और 17 इंजर्ड रहे थे। उसके बाद रात में NDRF को सूचना मिली, उससे पहले SDRF यहाँ पे पहुँच चुकी थी मौके पे। चूँकि हालात ऐसे थे तो कलेक्टर महोदय और SP महोदय ने निर्णय लिया कि NDRF को बुलाया जाए, तो तुरंत NDRF को कॉल किया गया और रात में करीब 11:15 बजे लगभग NDRF यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ आके जब हमने हालात का मुआयना किया, पहले क्या है क्या नहीं है, चारों तरफ से मुआयना करने के बाद देखा कि बिल्डिंग का जो कोलेप्स वाला पार्ट है, जो पीछे का एरिया है, वो कोलेप्स हो गया। जो ग्राउंड फ्लोर था बिल्कुल वो तो पैनकेक की तरह ढह गया, और ऊपर जो मिडल फ्लोर और जो छत टॉप फ्लोर थे बिल्कुल ही 30 डिग्री बिल्कुल ऐसे तिरछे नीचे डाउन आ गए और एक दूसरे के ऊपर वो आ गए दोनों छतें वगैरह। रात में मैंने किया था तो उसमें रिस्क यह हो रहा था हमको कि ऐसी जगह पे हम ऑपरेशन करें, खतरा पूरा है, स्लेप आ सकते हैं नीचे, ठीक है ना। तो फिर रात में फिर एक इधर से भी अप्रोच का हमने प्रयास किया था सामने से, कि जो बिल्डिंग, क्योंकि जो फ्रंट एरिया है वो भी हाँ उस कगार पहुंच चुका था और बिल्कुल ही गिरने के स्तर पे था, तो खतरनाक था इधर से अप्रोच करना भी। तो मशीनों के माध्यम से प्रशासन ने हमको मशीनें मुहैया कराई, JCB वगैरह, तो उसमें हमने ट्राई की, कुछ एरिया यहाँ से डैमेज किया हमने, ठीक है ना, प्रयास किया, मगर इसमें इधर से हमारा कंप्लीट 100% हमारा अप्रोच यहाँ से नहीं बना। प्रशासन ने अवगत कराया है कि अभी भी 5 से 7 है उनको सूचना है जो मिसिंग है, तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 घंटे के अंदर हम इस एरिया को क्लियर कर दें, हमारी ये कोशिश है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए रात से ही NDRF हेडक्वार्टर द्वारा, DG महोदय द्वारा, DIG ऑपरेशन द्वारा, या हमारी यूनिट हेडक्वार्टर गांधीनगर कमांडेंट द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है और बिल्कुल हम लोग लगे हैं युद्ध स्तर पर, कोशिश कर रहे हैं 2-3 घंटे अंदर जो मलबा है जहाँ से हमारी अप्रोच बनी है अर्ली इन द मॉर्निंग बनी आज, तो 2 से 3 घंटे के अंदर हम उस मलबे को हटा लेंगे और जो भी विक्टिम वहाँ पर ट्रैप हो रखे हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। शनिवार को राज्य सरकार के मंत्री वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, कालीचरण सर्राफ, राम प्रताप, प्रभुलाल सैनी के साथ भाजपा देहात जिलाध्यक्ष BP सारस्वत भी घटना स्थल पर पहुंची तथा जायजा लिया। इस दौरान मंत्री अनीता भदेल पीड़ित परिवार के घर पहुंची तथा परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा शोक संवेदनाएं प्रकट की। शनिवार शाम को राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी हेलीकॉप्टर से ब्यावर पहुंची। श्रीमती राजे हेलीकॉप्टर से श्री सीमेंट पहुंची तथा वहां से कार द्वारा ब्यावर पहुंची तथा घटना स्थल कुमावत भवन पहुंची तथा मौके पर किए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में भर्ती घायलों के बारे में भी जानकारी ली। मौके पर पहुंची श्रीमती राजे ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुलाकात के दौरान CM राजे ने जिला कलेक्टर गौरव गोयल से चर्चा की। कलेक्टर गौरव गोयल ने CM राजे को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान हादसे के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए उन्होंने भी CM राजे से मुलाकात कर मुआवजे की मांग की। मृतकों के परिजनों से मुलाकात के दौरान CM ने मृतकों के परिजनों सहित उचित मुआवजे देने का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर गौरव गोयल तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद CM राजे राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचे तथा अस्पताल में भर्ती घायलों की कुशलक्षेम जानी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से सभी घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद श्रीमती राजे जयपुर के लिए रवाना हो गई। जानकारी मिली है कि ब्यावर पहुंचे श्रीमती राजे जिस घर में शादी थी उसके बाहर भीड़ ज्यादा होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में घायलों से मिलने के बाद सीएम राजे सड़क मार्ग से अजमेर के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम जयलन में भर्ती घायलों से भी मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछेगी। गिर रहे हैं, पूरी गर्म हवा और कुछ भी दिख रहा है, क्या करें? जैसे जैसे तैसे करके मैं जैसे रास्ता बनाकर एग्जिट आ गया, बाहर आ गया, मतलब बाद में पता चला कि ये दो मकान और दरा सकते, शादी का बॉल बन गया, एक महाभारत का लाख सागर बन गया, ये सब बताओ। मेरी पूरी फैमिली गई, जब हो गई पूरी फैमिली, पूरा वर्ल्ड ही। मैं आपको कह रही हूँ, पहले ही कह रही हूँ आपको कि आप देखिए कि उसके अंदर अगर पाँच छः आदमी और बचे हैं तो अनटिल आप निकालोगे, चाहे बॉडी निकालो चाहे वो आदमी निकालो, जब तक वो निकलता नहीं तब तक हम प्रज्यूम करते हैं कि वो जिंदा है। अगर हम प्रज्यूम कर रहे हैं कि वो जिंदा है तो इसलिए आप बहुत केयरफुली उसको दाड़ दौड़ करके निकालोगे तो ऊपर से नीचे गिरे। जिस दौरान सीएम राजे नंदनगर स्थित एक मकान में मृतकों के परिजनों तथा रिश्तेदारों से मुलाकात कर रही थी, इसी दौरान कुछ कांग्रेसी नेता भी वहां पर पहुंचे। सभी कांग्रेसजन सीएम से मुलाकात करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता रामेश्वर मेवाड़ा के साथ धक्का मुक्की हो गई। घटना को लेकर मेवाड़ा आवेश में आ गए। घटना के बाद सभी कांग्रेसजन आक्रोशित हो गए तथा मौके पर ही सीएम हाय हाय की नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कल्पना भटनागर, कमला दग्दी, सोहन मेवाड़ा सहित अन्य कांग्रेसजन शामिल थे। जानकारी मिली है कि कांग्रेसजन सीएम राजे से ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे। कांग्रेसजनों ने सीएम राजे पर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर भी रोष प्रकट किया कि वे सीएम केवल एक कमरे में कुछ लोगों से मुलाकात कर वापस चली गई, मौके पर काम कर रहे मजदूरों तक से मुलाकात नहीं की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तृतीय प्रेम राजेश ने महिला को जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से वार करने के आरोपी पुनेरा जवाजा निवासी हरि सिंह को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया, साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश बंसल ने 10 गवाहों की गवाही करवाई और 26 दस्तावेज पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह या दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। मालूम हो कि जवाजा के पुनेरा निवासी पानी देवी स्कूल में पोषाहार बनाने का कार्य करती थी। 2 नवंबर 2011 को हैंडपंप से पानी लेकर आने के दौरान गांव के ही हरि सिंह ने पानी देवी से विवाद कर गाली गलौज करते हुए उस पर चाकू से 3-4 बार वार कर दिए, जिस कारण पानी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान पास ही खड़ी पूनम सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस बीच मौका पाकर हरि सिंह बाइक पर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पानी देवी को जवाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उसे ब्यावर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। स्थिति गंभीर होने के कारण ब्यावर से भी पानी देवी को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़िता के देवर हिम्मत सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विजयनगर रोड अंबाबाड़ी स्थित डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव पारितोषिक वितरण समारोह विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम पीयूष समारिया, नगर परिषद आयुक्त सुखराम खोकर, सचिव रजनी आरंडानी तथा शाला निदेशक कुलदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बच्चों ने एक्शन सॉन्ग, रेलगाड़ी, जंगल बुक, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक, पंजाबी गीत तथा मोहे रंग दो लाल आदि गाने वे शिवम एक्ट वृद्धाश्रम तथा पृथ्वीराज चौहान वे मोहम्मद गोरी पर शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय की बालिकाओं द्वारा अभिभावकों ने तालियां बजाकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान विद्यालय के होनहार बालकों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन निखिल जैन, प्रियंका भारद्वाज व करिश्मा ने किया। श्री सीमेंट लिमिटेड आर्स की समाज सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत समाज सेवा इकाई द्वारा श्री सीमेंट क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके उत्थान के 18 वर्ष पूर्ण करने वाली लड़कियों की शादी के दौरान बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। दो बीपीएल परिवार की बालिका ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के मंजू पुत्री भागू सिंह एवं ग्राम पंचायत रास के ग्राम साखला कबाड़िया के अनिता पुत्री धर्मचंद की शादी में 25,000 रुपए की बुनियादी आवश्यक वस्तुओं का सहयोग दिया तथा बीपीएल परिवार में 18 वर्ष पूर्ण होने पर शादी करने वाली लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा श्री सीमेंट द्वारा सहयोग देती रहेगी। इस विवाह समारोह में श्री सीमेंट से महाप्रबंधक अमित बलसानिया, उप प्रबंधक विशाल जायसवाल के द्वारा शादी में दिए गए बुनियादी आवश्यक वस्तुओं का से दुल्हन एवं दूल्हे के कपड़े, सिलाई मशीन, पलंग, लोहे का बक्सा, बिस्तर सेट, स्टोव, कुकर एवं स्टेनलेस स्टील बर्तन सेट आदि दिए। पलसानिया ने श्री समाज सेवा विभाग में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया जिनसे ग्रामीण जन लाभान्वित हो रहे हैं एवं ग्रामवासियों को अधिक से अधिक लाभ लेने का सुझाव दिया। इस अवसर पर श्री सीमेंट से पधारे अतिथियों का परिवार एवं ग्रामवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया एवं हार्दिक धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में श्री सीमेंट समाज सेवा इकाई रास के रोहित कुमार शर्मा, मुजफ्फर अली एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। 18 फरवरी 1836 में भारत के महान संत, विचारक और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था तथा 19 फरवरी 1630 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। बचपन से ही धार्मिक अभ्यासों में उनकी काफी रुचि थी। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे सप्ताह की टॉप 10 न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं इस सप्ताह की टॉप 10 न्यूज। तिलक युग के भामाशाह व क्रांतिकारियों के आर्थिक स्तंभ सेठ दामोदर दास राठी की निर्माण शताब्दी के अवसर पर मनाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को कन्या महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शहर भर में एक महारैली निकाली गई जिसमें मां भारती ग्रुप की 1100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। शाहपुरा मोहल्ला स्थित राठी मेंशन से प्रारंभ हुई महारैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गोकुल गार्डन पहुंची। रैली में शामिल बालिकाएं बालिकाओं की शिक्षा तथा विकास के लिए नारे लगाते हुए चल रही थी।
महारैली का शहर भर में कई जगह स्वागत भी किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए गए। वसुंधरा सरकार ने 8 महीने के भीतर 1,00,000 सरकारी नौकरियां व किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। फाइनेंस पोर्टफोलियो संभालने वाली वसुंधरा के बजट में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों का असर दिखाई दिया। वसुंधरा ने बजट भाषण में किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। लघु और सीमांत किसानों के लिए की गई इस घोषणा से राज्य सरकार पर 8,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कर्ज में सितंबर 2017 तक का ब्याज भी माफ कर दिया गया है। किसान कर्ज राहत आयोग बनाया गया है। सोमवार को पेश किए गए बजट से शहरवासियों को निराशा ही मिली है। विगत कई वर्षों से जिले की आस लगाए लोगों को सरकार ने एक बार फिर निराश ही किया है। बजट में सरकार ने हालांकि नए जिले की घोषणा नहीं की है, लेकिन ब्यावर शहरवासी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे। जिले के अलावा भी ब्यावर शहर में मेडिकल कॉलेज की आस भी लोगों को थी, लेकिन इस संदर्भ में सरकार ने कुछ नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों में काफी निराशा के भाव दिखाई दिए। शहर में मंगलवार को श्रद्धा व उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शहर भर के शिवालयों में अनुष्ठान सहित पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे पूर्व सोमवार रात्रि में शिवालयों को आकर्षक रोशनी के साथ सजाया गया व मंगलवार सुबह सूर्योदय के साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए ओम नमः शिवाय तथा बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर अपने परिवार तथा देश की खुशहाली की कामना की। शिवरात्रि के मौके पर शहर के महादेव छत्री, सेंधड़ा रोड स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ कॉलोनी स्थित सोमनाथ शिव मंदिर सहित नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बिचड़ली तालाब के ओवरफ्लो से बनने वाली नदी के सौंदर्यकरण तथा उसकी साफ सफाई करवाने की नगर परिषद की मंशा ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया। नगर परिषद प्रशासन ने इसके लिए अजमेर की देव कंसल्टेंट कंपनी के नाम टेंडर जारी किया है। कंपनी को टेंडर मिलने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि मंगलवार को ब्यावर पहुंचे तथा बिचड़ली तालाब से लेकर सातपुलिया तक नाले का सर्वे शुरू किया, जो पूर्व में नदी थी लेकिन अतिक्रमण के चलते अब नाले का रूप ले चुकी है। मालूम हो कि टेंडर में बिचड़ली तालाब के ओवरफ्लो से बनने वाली नदी पर हुए अतिक्रमणों को हटाकर उसे मूल स्वरूप में लाया जाएगा तथा नदी के दोनों किनारों को पक्का किया जाएगा। नगर परिषद में गुरुवार को साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा में नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया गया। साधारण सभा में बजट प्रस्ताव सहित 18 अन्य प्रस्तावों सहित कुल 19 प्रस्ताव रखे गए। साधारण सभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद परिषद आयुक्त ने नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान की स्वीकृति पर प्रस्तावों को पढ़ना शुरू किया। आयुक्त सुखराम खोकर की ओर से पढ़े गए सभी 19 प्रस्तावों को बैठक में उपस्थित पार्षदों ने टेबल बजाते हुए सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में पेश किए गए नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2018-19 का 94,54,37,000 रुपए का बजट पारित किया गया। गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू हुई साधारण सभा में कांग्रेस, भाजपा तथा निर्दलीय पार्षदों सहित अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में सभी प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रगान के गायन के साथ साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। नगर परिषद में विकास शुल्क जमा कराने के बाद भी लंबे समय से गहलोत कॉलोनी के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हालात यह है कि वर्षों बाद भी गहलोत कॉलोनी में पानी की निकासी के लिए नालियों का अभाव है तथा साफ सफाई के अभाव में क्षेत्र में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। गुरुवार नगर परिषद पहुंची क्षेत्र की महिलाओं ने परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान के समक्ष अपनी वेदनाएं प्रस्तुत की। क्षेत्रवासियों के अनुसार नालियों के अभाव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी बहकर सड़कों पर आ जाता है, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और जगह जगह खड्डे भी पड़ गए हैं, जिसके कारण राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने परिषद सभापति से मौका मुआयना करते हुए शीघ्र ही नालियों का निर्माण करवाने तथा कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था करवाने की मांग की है। देश भर में परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों से सीधा संवाद स्थापित करने के आयोजन के तहत शुक्रवार को शहर के कई स्कूलों में टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाया गया। इसी क्रम में शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा बालिका छावनी विद्यालय में टीवी के माध्यम से बच्चों को कार्यक्रम दिखाया गया।
मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि परीक्षा की घड़ी से हर कोई गुजरता है और परीक्षा में वो ही व्यक्ति सफल होता है जो बेहद ही सरल व तनाव रहित तरीके से परीक्षा में बैठता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इसके लिए अभिभावकों तथा शिक्षकों का भी आह्वान किया है कि वे भी परीक्षा के समय काल में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार शहर के नरसिंहपुरा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिजली गुल होने के कारण बच्चों को मोबाइल पर ही मन की बात कार्यक्रम दिखाया गया। शहर भर में अलग अलग स्थानों पर फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात फेरी परिवार की ओर से बुधवार को लोकाशा नगर श्री लोकेश्वर हनुमान मंदिर में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रभात फेरी परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर मंदिर पुजारी विष्णु दादिज की ओर से मंदिर में आकर्षक रोशनी की गई और फागोत्सव के दौरान उपस्थित भक्तों ने 201 किलो फूलों से ठाकुर जी के साथ होली खेली। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद एवं लायंस क्लब ब्यावर सिटी की ओर से बुधवार को आशापुरा माता मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव में स्वरागिनी ग्रुप की ओर से मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, साथ ही राधा कृष्ण की सजीव झांकी भी सजाई गई। शहर में बाइक सवार उचक्कों का कहर जारी है। यह बाइक सवार उचक्के फोन पर बात करते व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हुए फोन उड़ाकर फरार हो जाते हैं। बुधवार रात्रि में भी शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में अज्ञात बाइक सवार उचक्कों ने ब्यावर तहसील में कार्यरत गिरदावर संतोष कुमार को अपना निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार संतोष कुमार बुधवार रात्रि में खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहलते हुए अपने परिचित से मोबाइल पर बात कर रहे थे। पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि उचक्के उनका ओप्पो कंपनी का महंगा फोन उड़ा कर ले गए। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की गायनिक यूनिट में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चिकित्सालय प्रशासन की लापरवाही के कारण गायनिक वार्ड में हर तरफ गंदगी व्याप्त है तथा चिकित्सकों तथा संबंधित स्टाफ को जानकारी होने के बाद भी इसकी अनदेखी करते हुए चिकित्सक स्वयं वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल करते दिखाई दे रहे थे। जानकारी के अनुसार AKH के नवनिर्मित वार्डों में समय पर सफाई नहीं होने के कारण हर तरफ कचरा ही कचरा पड़ा रहता है, जिससे वार्ड में भर्ती महिला रोगियों के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी प्रकार वार्ड के शौचालय की समय पर सफाई नहीं होने के कारण वहां से दुर्गंध उठती रहती है, जिससे रोगियों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नंदनगर स्थित कुमावत भवन में फटा गैस सिलेंडर, 9 लोगों की मौत, 18 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे पहुंची ब्यावर, गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों तथा मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। सीएम से मुलाकात करने आए कांग्रेस नेता रामेश्वर मेवाड़ा के साथ हुई धक्का मुक्की, नाराज कांग्रेस जनों ने लगाए सीएम हाय हाय के नारे। और DPS स्कूल का वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न, विद्यार्थियों ने दी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां।